और कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने मनोहर सरकार के बजट को बेकार बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बजट में कुछ खास ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस की सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी हमारे साथ हैं। आंकड़ों में बड़ी बारीकी से नजर रखती हैं आप, और विस साहब को भी छेड़ रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप क्या करके जाएंगे। मैं सुन रहा था पूर्व मंत्री, ऑक्सीजन की कमी है तो बहन होने के नाते चिंता करना मेरी जायज बात है। और सरकार ने ऑक्सीजन देने का कितना काम किया है इस बजट के माध्यम से? स्वास्थ्य को लेकर बात की जा रही है कि बढ़ावा किया गया है, शिक्षा को लेकर की जा रही है, और कृषि के लिए से पूरा परिवर्तन वाला बताया जा रहा है। खेल नीति की भी तारीफ करते हुए संदीप सिंह नजर आ रहे थे। तमाम आंकड़े आपके साथ हैं। पूरा अभिभाषण किसी ने सुना ना सुना, आपने पॉइंट वाइज जरूर सुना होगा। किस तरह सुना भी है, लिखा भी, और पॉइंट्स को लिखने का जो है इसमें प्रयास भी किया है। जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लंबा सा एक भाषण, बजट भाषण पढ़ने का प्रयास किया, निकला तो उसमें कुछ भी नहीं। आप शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना प्रायोरिटी सेक्टर बताते हैं, सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में पूछना चाहती हूँ, आपने एक भी नया स्कूल खोला? 1000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। पिछले बजट में भी महामहिम नए पदों से लाया जाएगा, 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की बात पिछली बार भी की जा रही थी, एक भी शून्य एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। आरोही मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाएगा। ये भारत सरकार की स्कीम है, स्टेट इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकती। आपने तो मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे एग्जिस्टिंग स्कूलों को करने का काम किया। स्वास्थ्य के मामले में मेरे को स्वास्थ्य मंत्री जी की चिंता है, वो मेरे भाई हैं, उनका स्वास्थ्य स्वयं खराब है। स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी बुरी हालत है आज के समय में। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था हर जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 6 साल से भिवानी में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, उसका नाम बदल के मंगल सेन जी के नाम से कर दिया, चौधरी बंसीलाल जी के नाम से था। करनाल में जो हम कल्पना चावला जी के नाम से मेडिकल कॉलेज हमारे समय में जो था, इन्होंने नाम बदल के उसका दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कर दिया। केवल 4 दीवारी बनी है। इन्होंने कहा जी कि हमारा प्रदेश, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, हमारा अन्नदाता किसान इन कानूनों को लेकर लंबे समय से एक संघर्ष कर रहा है, 106 दिन हो गए हैं, 250 से ज्यादा डेथ हो गई है। किसान मित्र दिखने में बहुत अच्छा नाम लग रहा था, किसानों के नाम पर तो पसीजे नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं को राजा की संज्ञा दी कि राजा ने कोई टैक्स नहीं लगाया। उसके बाद देखना, महंगाई के नाम पर रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ वैट कम करते आप, महंगाई बढ़ती जा रही है, बजट से क्या बताएं जरा। किसान मॉडल स्कूल हमने हमारे किसानों के लिए खोलने का काम किया था, बिल्डिंग्स उनकी खंडर होती जा रही है, उसमें आपने किसानों के लिए कोई कक्षाएं नहीं लगाई। कैमरामैन प्रमोद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।